हाँ जन्म नहीं हुआ। एक तस्वीरूपी रंगमंच पर मेरा कौन सा विशेष पार्ट है मुझ आत्मा का, जो दुनिया में प्रसिद्ध होता है? मैं कौन सा स्टार हूँ? नौ लाख सितारे हैं ना आसमान में, जो खगोल विद्या को जानने वाले हैं वो नौ लाख सितारों की जानकारी रखते हैं ना। किस ग्रुप के हैं, कितना चक्कर काटने वाले हैं, छोटा चक्कर काटने वाले हैं या बड़ा चक्कर काटने वाले हैं, कौन कितने सूर्य के नजदीक है, कौन कितने दूर है, किसमें क्या विशेषता है, तो ये जानकारी दूसरों को तो बाद में होगी, पहले तो आत्मा को स्वयं अपने पार्ट की जानकारी होनी चाहिए कि संगम युग में मुझ आत्मा ने कौन सा विशेष पार्ट बजाया या बजाने वाली हूं, वो ही आत्मा का जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल जन्म ले सकता है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो बच्चों का नहीं होगा, बच्चों का भी होगा। नंबरवार हैं, कोई संसार में पहले प्रत्यक्ष होंगे, कोई बाद में प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन दुनिया में द्वादश को भी पूजा होती है, नक्षत्र को भी पूजा हो रहा है, कल्याण है। उन्होंने भी कोई अच्छा काम किया होगा, आदि में और अंत में, जो अच्छा काम करने की हिम्मत किसी ने भी नहीं दिखाई होगी। माना एडवांस ज्ञान के आदि में देवी देवता सनातन धर्म का जो बीज है, उस बीज को सहयोग देने का काम सारे भारत में दीपक लेके ढूंढने गया हो तो भी कोई न मिला हो सहयोगी के रूप में, लेकिन उन आत्माओं ने सहयोग दिया। ऐसे टाइम पर जब दुनिया में कोई सहयोगी नहीं था, तब उन्होंने सहयोग का बीज डाला। तो मौसम की जब शुरुआत होती है और मौसम की शुरुआत में जो बीज डाला जाता है वो ज्यादा फलीभूत होता है, या जब मौसम खत्म होने पर आ जाता है तब बीज डाला जाता है वो ज्यादा फलीभूत होता है? पहले उन्होंने डाला है, बाद में भले विरोधी बन जाए और सारा पुरुषार्थी जीवन विरोधी बन करके ही रहे क्या, लेकिन नियम बना हुआ आदि में, तो अंत आदि में सहयोगी थे तो अंत में भी सहयोगी बन जाएंगे। जो आज नहीं है वो कल ले जाएंगे, जो आज आपको ध्यान में लाया वो तो छोड़ के खेल गए हैं, वो आंखे में आकर के पूरा लाभ हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ बात है मौसम पर ठीक टाइम पर सहयोग देने की। उसका फल का ज्ञान सिखाएंगे,
तो ठीक टाइम पर सहयोग किसने दिया, हिम्मत किसने की जब कोई सहयोगी नहीं था? सबने धक्के खिलाए, सबने हाँ हाँ तो कर दिया। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी बात 100% सही है, इतना तो कह दिया। लेकिन सहयोगी कोई नहीं बना, और वो आपने सहयोगी बनी। तो मौसम के टाइम पर उन्होंने बीज डाला ना, आज में एडवांस पार्टी की शुरुआत में, वो रुद्रमाला के रुद्राक्ष मणकों के तैयार होने का मौसम शुरू हुआ। तो ज्यादा फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला है, दिल्ली के सेवाधारी जिन्होंने आदि में सहयोग दिया है, वो बाप से सहयोग लेने के अंत तक अधिकारी है। ले या न ले वो दूसरी बात है, अंत में भी आएंगे तो भी बाप का सहयोग उनको मिलेगा। किसी ने प्रश्न किया है, ओ भाई वाला प्रश्न, कि ज्ञान रतन ही अगर स्थूल रतन बन जावेंगे तो ये बात तपस्या धाम जाने से पहले होगी या बाद में सिद्ध होगी? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न करने वाले को भी तीन मूर्तियां अभी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है। तीन मूर्तियों को देखने का, समझने का, अनुभव करने का तीसरा नेत्र भी नहीं मिला है। एडवांस ज्ञान ही पक्का नहीं हुआ। वो तीनों मूर्तियां तपस्या धाम जाएं या न जाएं, उनके धारण किए हुए ज्ञान रतन, उनको पैसे की कमी, धन संपत्ति की कमी नहीं होने देंगे। प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति में चेंजेस भी शुरू होती है ना, क्योंकि आप कितने स्टेज कम हो जाएंगे, आप कितने स्टेज कम हो जाएंगे ना, दूसरे नारायण तीसरे नारायण चल रहा है, तो ये प्रकृति में चेंजेस कैसा होगा? अरे आत्म शक्ति क्षीण होती जाएगी तो प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। तत्व प्रधान से कैसी बनती जाएगी? तत्व सामान्य रजो और तमो बनती जाएगी। रूप कैसा होगा? अरे रूप कैसा होगा? शरीर का रूप कैसा होता है? जो 16 कला संपूर्ण देवताएं होंगे उनके 5 तत्वों का बना हुआ शरीर बढ़िया होगा सतयुग के आदि में या सतयुग के अंत में ज्यादा बढ़िया होगा? आदि में बढ़िया होगा। प्रकृति पति आधार है प्रकृति को परिवर्तन करने का। अभी भी
आत्मा अगर प्रकृति के ऊपर राज्य करने वाली बनी है तो वैसा रिजल्ट देखने में आवेगा। अगर आत्मा खुद ही कंट्रोल्ड है पांच विकारों से और पांच प्रकृति के तत्वों से तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा। अभी प्रकृति तमो प्रधान बनती जा रही है या सतो प्रधान बनती जा रही है? पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये दुखदाई होते जा रहे हैं या सुखदाई होते जा रहे हैं? दुखदाई होते जा रहे हैं। तो जो मनुष्य आत्मा रूपी जो प्रकृति को कंट्रोल करने वाली आत्माएं हैं वो कंट्रोलर के रूप में है या प्रकृति के अधीन है? अधीन। नमक नमक आना बंद हो जाए क्या? जो नमक आ रहा है ना वो नमक की पैदाइश बंद हो जाए, नमक आना बंद हो जाए तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? क्या करेंगे? अरे नमक नापैद हो जाए दुनिया से या बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो नमक खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाएंगे। ऐसे लोग हाथ उठाओ कि नहीं खाएंगे। नमक खाना ही बंद कर देंगे हम, हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठा रहा क्योंकि सब सच्चे हैं। आप खाना बंद कर देंगे नमक? कल से नमक खाना बंद कर देना। अगली बार हम आके पूछेंगे क्या नमक खाना बंद किया या नहीं? अगर नमक खाना बंद नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में और 1000 रुपए का 1 किलो नमक मिलता है तो भी लेते हैं, इसका मतलब प्रकृति के अधीन है या प्रकृति को अधीन किया हुआ है? अधीन। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। हम विश्वपति के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? विश्वपति के बच्चे, जगन्नाथ के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? जगन्नाथ के बच्चे हैं। और जगन्नाथ की जिम्मेवारी है सारे जगत की पालना करना और हम हो तो जगन्नाथ बाप के सहयोगी हैं। तो जगन्नाथ के घर परिवार में जो भी पैदाइश होती है, प्राप्ति होती है, जो भी धन संपत्ति आती है वो जगत में बराबर बराबर बांटनी चाहिए या नहीं? बांटनी चाहिए ना। बांटेंगे? बांटेंगे। अगर कहें कि हम तैयार हैं बांटने के लिए फिर तो अपना घर घर बनाने की अलग जरूरत ही नहीं है, फिर तो बाबा के घर में ही घर बना करके बैठ जाएं। जो बैंक बैलेंस बगल में दबाया हुआ है छोड़ देंगे।
हम प्रकृति के पदार्थों के अधीन है। हाँ, प्रकृति ही जब विकराल रूप धारण कर लेगी, क्या प्रकृति जब विकराल रूप धारण करेगी, टेढ़ी अंगुली करेगी, तब ही हम पदार्थों का मोह त्यागेंगे, नहीं तो हमें बढ़िया बढ़िया पदार्थ जरूर चाहिए, यज्ञ चले या भाड़ में जाए। बढ़िया बढ़िया कपड़े भी चाहिए, बढ़िया बढ़िया मकान भी चाहिए, अच्छे से अच्छे संबंध ही चाहिए दुनियावी हिसाब से। और ऐसी स्थिति परिस्थिति और वातावरण हम बनाते ही चले गए तो एक दिन क्या होगा, प्रकृति क्या करेगी, विकराल रूप धारण करेगी। वो सूर्यवंशियों की भी अम्मा है क्या, नहीं है? है? है। सबको जबरन सुधारेगी। ओम शांति। और आज की क्लास 7 साल बता दिया, मना 76 से 60 एड किया तो 2036 है। 15 किस हिसाब से बता दिया, समय 40 बताया था, क्लास मुरली में आया था। 40 साल की पढ़ाई है, ऐसा तो नहीं बोला, पढ़ाई तो 50 साल की ही बोली है, 60 साल में राजधानी स्थापन होती है ये भी बोला है, 40 साल के संगम युग बोला है, और वो भी है देवताओं के लिए, देवात्माओं के लिए। 40 साल होते ही पूरे हैं 76 में, 76 में जो ब्रह्मा और फिर कृष्ण को फॉलो करने वाली देवात्माएं हैं उनका 40 साल का टाइम पूरा हो जाता है, उनकी शूटिंग हो जाती है। बाबा की टीवी नहीं दिखाई जाती है भाई, बाबा की टीवी क्यों नहीं दिखाते है? डॉक्टर लोगों को, साइंस के लोगों को, इंजीनियर लोगों को और माया सभ्यता ज्यादा दिखाई जाती है, ये क्या बात है, है? है? वो भक्ति मार्ग वाले पंडित भी ऐसे ही कहते हैं कि तारीख खत्म हो जाएगी, संबत खत्म हो जाएगा। मुसलमान लोग कहते थे 14वीं हिजरी संबत 1980 में खत्म हो जाएगा, 1980 कब का खत्म हो गया, 30 साल हो गए, दुनिया पता नहीं जाने क्या क्या कहती रहती है, किसकी किसकी बातें सुनेंगे। अरे बहुतों की बातें सुनना है या एक की सुनना है? अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा है? जो विचार फैलाने वाले धर्म है उनमें कन्वर्ट होना पड़े,
इसलिए पक्का कर देना, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। और चंद्रमा गोल नहीं है क्या है? और जो गोल चीज होगी उसमें सूरज का प्रकाश एक तरफ से ही पड़ेगा ना, तो आधा हिस्सा अंधेरे में नहीं रहेगा। और चंद्रमा तो वैसे भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा के लिए तो गाया हुआ है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। हाँ जी, क्या बोला? राजा शशिकृष्ण ने राज को भी पढ़ा और बच्चे के पत्नी को भी ले गया। ऐसे ही किसी की बात नहीं मिल जाएगी है? राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र गाया हुआ है, महादानी गाया हुआ है, छोटा मोटा दानी नहीं, महादानी माने दान करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ दान दे दिया। तो बात कहाँ की है, है? जो बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी भी स्वाहा करनी है, तो यज्ञ में दान देने की बात है ना। परीक्षा लेने वाला कौन है? राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने वाला कौन था? विश्वामित्र। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदैव विश्व की मित्र बनकर ही रहती हैं। इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सदाकाल सबकी मित्र बनकर के रहती हैं कि दुश्मनी भी निभाती हैं? है? कोई है ऐसी आत्मा जो सदैव मित्र बनकर के रहती हो? कोई नहीं। तो कौन है विश्वामित्र? है प्रजा पिता है। प्रजापिता जो खुद स्वर्ग में चला जाएगा, अपने सूर्यवंशी चंद्रवंशी भांतियों को भी ले जाएगा और बाकी दूसरे धर्म वालों को सबको मरवा देगा, खोपड़ियों को ठोकर मार देगा, तो सबका मित्र है, है? कोई मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं है जो सदाकाल सबका मित्र बनकर रहती हो। एक शिव बाबा ही है जो सदाकाल इस दुनिया में सदैव ही सबका मित्र है, हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति देकर जाता है कि प्रजापिता देता है, है? शिव बाबा देता है, तो वो ही शिव बाबा परीक्षा लेता है कि देखें कौन कितना दिल वाला है। मुरली में बोला गया है कि ये झंडे को भी नहीं बनना है। मुरली में बोला गया है एक ठंडा क्रोधी नहीं बनना है। ठंडा क्रोधी नहीं बनना। अच्छा, गरम क्रोधी बनना अच्छा है? है?
क्रोध तो चाहे गर्म हो और चाहे ठंडा हो, क्रोध तो नुकसान करने वाला ही होता है। जो अंदर से एक बाहर से दूसरा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक है, और दूसरी तरफ बोला गया है क्रोध करने वालों को आगे चलकर बाप दादा नहीं मिलेंगे। तो अभी अगर गुस्सा आता है तो तब क्या करना चाहिए? अभी आपने तो बात ठंडे क्रोध की बताई कि अंदर से क्रोध भरा हुआ है और बाहर से ठंडास दिखाने वाला है कि हम तो बहुत शीतल मिजाज वाले हैं, अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। यही तो बताया। फिर और दूसरी तरफ बोला गया है क्रोध करने वालों को बाप नहीं मिलेगा, आगे चलकर बाप दादा नहीं मिलेंगे। तो अभी अगर गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए? तो कैसा गुस्सा आता है? ठंडा गुस्सा आता है या शंकर जी की तरह आया और खेल खलास? कैसा आता है? गुस्सा आता है तो क्रिश्चियंस की तरह गुस्सा आता है जो एटम बम बना के रखे हुए हैं, या ऐसा आता है कि थोड़ी देर के लिए आया और फिर बाद में शांत हो गया? ऐसा गुस्सा आता है? तो अंदर से एक और बाहर से दूसरा, ऐसे क्रोधियों से बाप नहीं मिलेंगे। बाकी तमो प्रधान तो सब बनते हैं। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो ब्रॉड ड्रामा है 5000 वर्ष का, उसमें कोई ऐसी आत्मा है जो तमो प्रधान बनकर क्रोध ही न बनती हो? है, सब बनते हैं। और शूटिंग पीरियड में भी वैसा ही होगा कि कुछ दूसरा होगा? है, वैसा ही होगा। शूटिंग पीरियड में भी सब तमो प्रधान बनते हैं। अभी भी मुरली बोला, फिर भी ऐसे ही होगा। तमो प्रधान बनेंगे तो क्रोधी भी बनेंगे, पर ऐसे क्रोधियों से बाप मिलेंगे या गुप्त हो जाएंगे? मिलेंगे, गुप्त हो जाएंगे। तो गलत बात क्या कह दी? सही कह दिया या झूठ कह दिया? दुर्गा माता, बाबा ने झूठा कहा या सच्चा कहा? सच्चा कहा। हाँ, आनंदपुर में ही बैठे रहो, तुम्हारे अपने घर में खास बनेगा। अनंतपुर तो भक्ति मार्ग वालों ने नाम रखा हुआ है। ये नाम किसने रखा? हैं? भक्ति मार्ग में रखा, भक्तों ने रखा। भगत तो झूठे होते हैं, भगत तो ठगत, तो उनकी बात थोड़ी ही है। बाबा ने जो बताया कि तुम बच्चे परमधाम को भी सस्ती पर उतार लेंगे, कब उतार लेंगे? जब तुम्हारी ऐसी तपस्या सिद्ध होगी कि देह में रहते हुए भी देह की याद नहीं आए, काहे की याद आए?
आत्मा ही याद आवेगी। और एक नहीं, संगठन में जितने होंगे वो सब आत्मिक स्थिति वाले होंगे, सब निराकारी स्टेज वाले होंगे। वो तपस्या धाम ही साकार परम धाम कहा जाएगा। और यहाँ बनाओ तो यहाँ साकार परम धाम हो जाएगा। हो जाते हैं तो हाँ हाँ हो जाते हैं तो बारह के चौबीस लोग ये लोग सदन में बीच में आएंगे, बाकी जो चौरासी लोग है ये सब विजन्मी है। हाँ, ये लोग खुद करके बैठ जाते हैं तो तन मन धन से संगम होना ये बात उनके बुद्धि पर कैसी लागू होता है। और धर्मराज काहे के लिए बैठा है? अरे धर्मराज 108 जो माला के मणके हैं उनमें से जो 100 हैं विधर्मी उनके लिए धर्मराज बैठा है या नहीं बैठा है? नहीं बैठा है, हाँ बैठा है, सुधार देगा। और सुधर जाएंगे तो तन मन धन से समर्पित हो जाएंगे, नहीं तो दूसरे धर्मों का सात्य को फाउंडेशन कौन डालेगा? दूसरे दूसरे धर्म क्या सतो प्रधान नहीं बनते हैं अपने टाइम पर? वो भी सतो प्रधान स्टेज में आते हैं तो उनका फाउंडेशन डालने वाले तो चाहिए। और माँ काली के जूड़ा बंधा हुआ रहता है क्या है? कोई क्रोध में आते हैं तो चोटी के बाल खोल देते हैं, जैसे द्रौपदी को दिखाया, जैसे चाणक्य ने किया अपनी चोटी खोल दी। तो महाकाली भी क्रोध में आ जाती है। जब तक सब असुरों का इस सृष्टि से संहार नहीं कर लूंगी तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। कहते हैं द्रौपदी ने महाकाली का रूप धारण किया। आदि में पहले जब षष्ठी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, बच्चों की पैदाइश की फाउंडेशन पड़ती है, तो स्त्री पहले या पुरुष पहले? स्त्री पहले। या दोनों का कॉम्बिनेशन? हाँ? अरे नीचे ऊपर क्या देख रहे हैं? एक बात बताओ, पहले पहले जगदाम में प्रवेश करते हैं, पहले पहले जगदाम जगदम्बा का भगत निकल पड़ा। कुमार हो कि अदर कुमार?
हाँ कुमार है बच्चा बेचारा जानता नहीं। हाँ तुम पढ़ रहे हो बताओ। अरे जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ। षष्ठी प्रक्रिया का जब आरंभ होता है चाहे हद में चाहे बेहद में तो स्त्री सक्रिय होती है पुरुष सक्रिय होता है या स्त्री पुरुष दोनों ही सक्रिय होते हैं। दोनों सक्रिय होते हैं। ये बेचारा जानता नहीं इसको समझाओ। शिव बाप प्रवेश करते हैं उसी क्षण माता में प्रवेश करते हैं। माता सुनाती है और प्रजापिता सुनता है। क्या सुनने के साथ साथ समझने वाला समझ नहीं सकता। एक ने सुनाया और दूसरे ने सुना। जो दूसरा सुनने वाला है वो सुनने के साथ साथ समझने का फाउंडेशन नहीं डाल सकता। डाल सकता है तो सुनना और समझना ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हुई। हाँ बात कर लो पूरी है। वो सुनने वाले को भी देखती है और सुनाने वाले को भी देखती है तसल्ली से। वो जानती है कि न सुनना बड़ी बात है और न सुनाना बड़ी बात है, न समझना बड़ी बात है, न समझाना बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? धारण करके दूसरों को धारण कराना बड़ी बात है। प्रैक्टिकल कर्म करके और दूसरों से प्रैक्टिकल जीवन बनाना ये बड़ी बात है। और प्रैक्टिकल होता ही है प्योरिटी से। तो न जगदम्बा में जो बोल बोल करने वाली है और न जगत पिता में जो समझने और समझाने वाला है। वो शिफ्ट है जो परिवर्तन कर दिखावे। परिवर्तन करने की शिफ्ट सिर्फ तीसरी मूर्ति में है। प्योरिटी से परिवर्तन होता है उसको कहते हैं परिवर्तन शक्ति। इसीलिए अभी तक न दुनिया में कोई परिवर्तन ब्रह्मा द्वारा हुआ न ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा कोई परिवर्तन हुआ। अपने में भी नहीं हुआ और समाज में भी नहीं हुआ। न परिवर्तन दूसरी मूर्ति द्वारा हुआ न प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने में परिवर्तन कर पाया और न अपने समाज में परिवर्तन कर पाया। इसलिए आखरीन बाप दादा ने किसका आवाहन करने के लिए बोला? विजयमाला का आवाहन करो। पहले पहले परिवर्तन करने के लिए ज्ञान सुनना सुनाना जरूरी है या बिना ज्ञान सुने सुनाए परिवर्तन हो जाएगा बुद्धि का? पहले बुद्धि का परिवर्तन होगा या शरीर की कर्मेंद्रियों में परिवर्तन हो जाएगा?
है, पहले बुद्धि में परिवर्तन होता है, और बुद्धि में परिवर्तन ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और ज्ञान की विस्तार करने के लिए, वृद्धि करने के लिए मुख जरूर चाहिए। वो मुख है ब्रह्मा का, ऐसे नहीं कि मुख से सुनने सुनाने से ही परिवर्तन होता है, प्रैक्टिकल कर्म से भी परिवर्तन होता है, चलन और चेहरे से भी परिवर्तन होता है। तो परमपिता परमात्मा सेवा सिर्फ सुनने सुनाने के लिए ही आता है, समझने समझाने के लिए ही आता है, या परिवर्तन कराने के लिए भी आता है? हाँ? अगर परिवर्तन कराने के लिए ना आए तो उसका आना दो मूर्तियों में बेकार हो जाता है। इसलिए तीनों मूर्तियां यज्ञ के आदि में होती है। तीनों मूर्तियों को सुनना भी जरूरी, सुनाना भी जरूरी, समझना भी जरूरी, समझाना भी जरूरी, और फिर प्रैक्टिकल एक्ट में लाना भी जरूरी। तो प्रैक्टिकल एक्ट में लाने के लिए निमित्त कौन बनता है? छोटी माँ निमित्त बनाता कौन है? हैं? शिव बाबा निमित्त बनाते हैं। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ, ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए, वो साक्षात्कार गुरु ने कोई रहस्य नहीं बता पाया, गुरुओं ने नहीं बताया, वाराणसी के पंडित विद्वान आचार्यों ने नहीं बताया, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने ज्यादा सच्चा और होशियार समझा, उस व्यक्ति के पास पहुंच गए अपनी दुकान में। डायरेक्ट नहीं पहुंचे, दो माताएं निमित्त बनी बीच में। एक माता थी उनकी बड़ी बहन, और एक दूसरी माता और भी थी। बाबा ने जो भी साक्षात्कार है, उन साक्षात्कारों की बात अपनी बड़ी बहन को पहले सुनाई होगी या दूसरी माता को सुनाई होगी? बड़ी बहन को सुनाई। बड़ी बहन की हिम्मत नहीं पड़ी डायरेक्ट प्रजापिता से बताने की, तो किसको बताया? दूसरी माता को बताया। वो बड़ा बोली थी, ज्यादा बोलने वाली थी। कलयुग में वैसे ही माना जाता है पंडित सोई जोई गाल बजावा। उसने फटाफट प्रजापिता को बात सारी बता दी। प्रजापिता के थ्रू सारा रहस्य भी मिल गया। जब रहस्य मिला तो वो तीसरी माता भी मौजूद थी। उसको जो भी रहस्य मिला, बोल बोल होने के कारण तुरंत ब्रह्मा बाबा को बता दिया। अब ब्रह्मा बाबा को उस माता के ऊपर विश्वास हुआ होगा या उसने अपनी बड़ी बहन से कंफर्म किया होगा? है? बड़ी बहन से जब तक कंफर्म न करे तब तक ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं हो सकता। तो अनुभवी थे,
इसलिए उस छोटी माता के बताने पर ब्रह्मा बाबा को विश्वास हुआ, तब उन्होंने माना कि मेरे द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलने वाला है, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूँ, ये दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया स्थापन होने वाली है। यहाँ फाउंडेशन पड़ गया संगम की दुनिया में, तो उसका रिजल्ट निकलता है सतयुग में। शूटिंग के आदि में शूटिंग हो गई, क्या शूटिंग हुई कि कृष्ण किसका बच्चा था है? लक्ष्मी नारायण का बच्चा था, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा साबित होती है छोटी माँ और प्रजापिता। प्रजापिता के द्वारा ज्ञान का बीज डाला गया, छोटी माँ के द्वारा विश्वास बैठाया गया, इसलिए कृष्ण और दादा लेखराज की आत्मा को निश्चय बैठ गया। निश्चय बैठना माने पैदा होना। नहीं तो जगदम्बा से कृष्ण को पैदा होना चाहिए सतयुग में, या छोटी माँ से पैदा होना चाहिए? जगदम्बा से तो कृष्ण का जन्म नहीं होता। वैसे भी जगदम्बा है बड़ी माँ, और वो है वैसे भी छोटी माँ। छोटी माँ से जो पैदाइश हुई वो देवताओं की हुई, जगदम्बा से जो पैदाइश होती है वो असुरों की हुई। ये कश्यप ऋषि को जो शक्ति के आदि करता थे, उनको भी दो पत्नियां दिखाई गई हैं, दीति और अदिति। कंपिल के राजा उत्तानपाद की भी यही कथा बताई गई है, उनको भी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि स्व रुचि, अपनी रुचि के आधार पर चलने वाली थी, और सुनीति जो ईश्वर के द्वारा सिखाई सुंदर नीतियां हैं, उन सुंदर नीतियों के द्वारा जीवन यापन करने वाली थी। तो सुनीति से ध्रुव का जन्म होता है। ऐसे ऐसे ढेर सारी कथाएं बनाई हुई हैं शास्त्रों में। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के रूप में पार्ट बोल बोल का बजाया बड़ी माने, तो वो ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कितनी आत्माओं का नाम है? पांच का नाम है। वो पांच फिर कौन? तो छोटी माँ के बारे में प्रश्न आया ना, छोटी माँ ने कहाँ ब्रह्मा का पाठ बजाया? उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया क्या है? आदि में प्रवेश किया, आदि में प्रवेश किया, उसका क्या प्रूफ है? हाँ, त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ। ये थोड़ी कहा कि तीन मूर्तियों में प्रवेश किया, मैं अकेला नहीं आता हूँ, जब आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। इसे ये थोड़ी साबित हुआ कि तीनों मूर्तियों में प्रवेश किया। बाकी विष्णु के जो चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं को चलाने वाला जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, राम वाली आत्मा, पांच आत्माएं मिला करके ब्रह्मा के पांच रूप हैं।
ऐसे कि नहीं शिव आकर के सिर्फ ज्ञान ही सुनाता है। क्या वो करण करावन हार दोनों नहीं है? हैं? प्रैक्टिकल करता नहीं है? और प्रैक्टिकल करने के लिए बोल बोल करने की जरूरत है नहीं? तो अगर बोल बोल नहीं किया किसी रूप के द्वारा, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, तो उसका नाम ब्रह्मा नहीं पड़ेगा? है ब्रह्मा ही पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं? बीके वाले बोल रहे हैं 2012 में विनाश होता है। हाँ नहीं होता है। दूसरा वाले सवाल पूछ रहे हैं, दुनिया वाले पूछ रहे हैं। हाँ, कभी भी विनाश नहीं होता, अविनाश ही रहता है। हाँ 2012 में विनाश नहीं होता। हाँ नहीं होता। लेकिन मैं बोले कभी भी सारे लोग चले जाने के बाद मैं इसके बैठा। हाँ पता ही नहीं क्यों बोला। हाँ फिर भी क्या बोला, मैं कभी कभी सुना 2018 में कृष्ण जन्म लेते ऐसा बोल रहे ना, जो 2018 में कृष्ण जन्म लेते कब लेते पूछा था आपको, कैसे पता बोला। कभी कभी मैं ज्ञान में है बोला, लौकिक वाले तो जन्म लेते कृष्णा अलौकिक ज्ञान वाले तो जन्म लेते वो भाई बोला की बहुत साल से ज्ञान में रहने वाला को ज्ञान छोड़ के घर में बैठते वो लोग से जन्म लेते। हाँ जो बहुत साल से ज्ञान छोड़े हुए हो, बहुत साल के ज्ञान में रहता है। हाँ फिर ज्ञान में छोड़ के घर में बैठते लड़की का, उनसे जन्म होता है। हाँ क्योंकि जन्म देने से तो फेल हो जाते हैं ना। कलयुग तीनों का राशि एक ही है, तीनों की राशि एक ही है। हाँ कृष्ण जीवन कृष्ण जीवन का काल में दैत्य से मिलाया जा सकता है। दैत्य तो माना कृष्ण तरुण का आत्मा में नहीं है, वो तो ज्ञान में नहीं चलते, तो फिर इन दोनों की राशि है समझा? करण क्रिस्ट तीनों का राशि, करण कृष्ण और क्राइस्ट। हाँ मिलाया जा सकता है। हाँ तो कृष्ण तो संगमिक में है, वो क्राइस्ट की आत्मा तो अभी
नहीं है ना ज्ञान में, नहीं आत्मा है, तो कैसे हम मिला सकते हैं राशि को, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? माने जिनकी राशि मिलाई जाए वो उसी समय दोनों होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये कोई नियम है? ये कोई नियम नहीं है कि जिनकी राशि मिलाई जाए वो एक ही टाइम पर होने चाहिए। क्या अलग अलग टाइम पर होने पर भी उनकी राशि एक हो सकती है? क्राइस्ट 2000 साल पहले हुआ, क्रिश्चियंस जो हैं 2000 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की ये भांति मिलती हुई देखने में आती है। कृष्ण और क्राइस्ट की, कृष्ण जो है वो और कृष्ण के फॉलोअर्स दोनों ही दिखावा वाले थे। क्राइस्ट और क्रिश्चियंस ये भी दिखावा वाले हैं, पॉम्प एंड शो करने वाले हैं। ये ज्ञान का और योग का पॉम्प एंड शो ज्यादा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं। वो क्राइस्ट भी करता है और कृष्ण की आत्मा ने भी किया संगम युग में ऐसे ही। और ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कृष्ण को क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हुए वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उससे दुनिया का कल्याण नहीं होता। भारत की परंपरा तो है ज्ञान और योग को गुप्त रखने की, उसे प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए जब तक सिद्धि न मिल जाए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात है ठंडा क्रोध। क्रिश्चियंस में और कृष्ण में दोनों में ही कूट कूट के ठंडा क्रोध भरा हुआ है। ब्रह्मा बाबा अपने साकारी जीवन में जिस किसी से भी बात किया ठंडे दिल से बात किया। जैसे हिंदू महासभा का अध्यक्ष आया वीर सावरकर, तो बाबा ने उसकी बहुत खातिरी की, और जब चला गया तो बच्चे ये थोड़े ही देवी देवता सनातन धर्म में आवेगा, स्वर्ग में आवेगा, तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ये क्रिश्चियंस की विशेषता है, वो ही कृष्ण की आत्मा धर्मराज का पार्ट बजाती है। फिर जिन बच्चों ने उनको बहुत दुख दिया, दुख दोने देने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा ने उनके साथ बहुत मीठा व्यवहार किया सामने रह करके, उन्हीं बच्चों को एक एक की सौ सौ गिनाएगा। तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और देखने में आते हैं क्रिश्चियंस। आपने उनकी बात क्यों मान ली? जरूरी है कि आप उनकी बात माने ही माने, इसका मतलब उनकी बात का असर पड़ गया है। अरे ज्ञानियों से कृष्ण का जन्म होगा, राधा कृष्ण का जन्म होगा कि अज्ञानियों से होगा? फिर ज्ञान किस बात का रहा? देवी देवताओं का जन्म जो है वो ज्ञानियों से होगा या अज्ञानियों से होगा? फिर उनकी बात क्यों मानी? चल ये क्या है? वेंकट सुब्बम्मा माता।